हरे कृष्णा। हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं, स्थान का नाम है सूरज कुंड है, सूरज कुंड है। और यहाँ पर जो मंदिर है, ये मंदिर श्री सूर्य भगवान की मंदिर है। कहते श्री सूरज देवता, उन्होंने बड़ी कठोर साधना किया है, बल्कि क्यों साधना की, बोले भगवान की बाल्य लीलाओं को दर्शन करना चाहते हैं और ब्रज में स्थान बना चाहते हैं। हरे कृष्ण आवाज बहुत बहुत है, ठीक है पर श्री राधा रानी विशेष करके संडे इतवार को सूर्य पूजा की छलना करके यहाँ पर श्याम सुंदर से मिलने के लिए राधा रानी यहीं पर आया करते। जब कृष्ण रोज जाते थे जाबट से नंदगांव, मैया जसोदा तरह तरह का अलंकार और कपड़े का लोक मिला करके राधा रानी को रोज बुलाया करते थे नंदगांव में कृष्ण की रोसी बनाने के लिए। वहीं पर राधा रानी कृष्ण की रोसी बनाया करती थी। और जिस समय कृष्ण राधा रानी के हाथ की भोजन खा करके जब कृष्ण गोचारण करने जाते थे, राधा रानी एकदम कृष्ण विरह में आतुर हो जाती थी और अपना श्याम सुंदर राधा रानी को आंखों के इशारा से कहा करते थे, बोले हे राधे कोई चिंता मत करो, केवल एक दो घंटा केवल इंतजार करो, मैं तुम्हें इसी सूर्य कुंड में ही फिर तुम्हारा साथ में दो बार मिलूंगा। और श्याम सुंदर जब चले जाते थे, जितने राधा रानी जैसे शरीर से जैसे प्राण निकल कर चला गया, राधा रानी को बड़े कष्ट से राधा रानी को लेकर के सखियां जाती थी जाबट। जब जाबट जाती थी इतने में सखियां क्या कर ललिता विशाखा से कहा करती थी, कुंदलता कहती थी, बोले देखो जटला कुटले तुम्हारी बहू का हमने ऐसे रखा कि कृष्ण का छाया तक भी छूने हमने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है ना कृष्ण बड़े नटखट है और हर समय कृष्ण मेरे बहू के साथ में मिलना चाहती है, कहते कृष्ण से हम बड़े दूर रखे कृष्ण से, इसलिए फिर तो जटला कुटला बड़ी खुश हो जाती है। कुंदलता और दूसरे दूसरे सखियों का आशीर्वाद देती है, तुम लोग सात संतान की मैया बनो। देखो पहले जो संतान होता था ना, कृष्ण तो हर रानियों से 10-10 बेटे और एक के बेटी जन्म दिया है, इसलिए उन्होंने भी सिख्या देते हैं हर माताओं को 10-10 बेटे और एक के बेटी जन्म देनी चाहिए, तभी तो हमारे हिंदू लोग एक हो दो हो फिर कोई संतान नहीं चाहते, तभी तो ये मुसलमान लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तभी तो ये मुसलमान लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक दिन ऐसे करें कि सारे हिंदू लोग घर रहे। जब मुसलमान लोग संतान को बढ़ा रहे फिर हम क्यों संतान को नहीं बढ़ाए, इसलिए पहले पहले देखना जिसने कितने बच्चों को जन्म दिया करते थे माता है, इसलिए तुम सात बच्चों का माँ बनो आशीर्वाद देती थी। और श्री कुंदलता कहती थी, बोले देखो जटला कुटले जब तुम्हारी बहू इतने सुंदर कृष्ण के लिए रोसे बनाए उसमें संतुष्ट होकर के मैया जसोदा इतने कीमती कीमती हार इतने कीमती कीमती रत्न प्रदान की, जो रत्न स्वर्ग में सची के लिए भी दुर्लभ था। फिर श्री जटला पुत्रा कहती है जल्दी जल्दी सूर्य पूजा करने के लिए तैयार करो हैं, इसलिए सारे फूल सामग्री को एकत्रित करो। राधा रानी सखियों के साथ में सूर्य पूजा करने के लिए आ रही और राधा रानी अपना हाथों से एक सुंदर फूल की माला बनाया करती थी और कृष्ण उधर गोचारण करने के लिए आते थे कुसुम सरोवर में। राधा रानी कहते वृंदा जी को हाथों में एक तरह राधा जी के हाथों में बनाया हुआ एक फूल की माला कृष्ण के लिए भेजती थी और दो चंपक पुष्प
कहते कृष्ण के कान को कुंडल के लिए, क्योंकि चौथे चंपक का जो पुष्प है और राधा रानी के अंग तो साथ में ये चंपक और पुष्प को तुलना की गई है। जब श्याम सुंदर तो चंपक और पुष्प प्राप्त करते हैं और राधा रानी के बनाया हुआ गले में हार पहनते हैं और राधा रानी अपने हाथों से एक सुंदर पान पीड़िया बना करके श्याम सुंदर को दिए और श्याम सुंदर खाते ही उन्होंने बहाना बनाते थे। ताऊ भैया को बोलते देखो आज निमंत्रण है, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, तुम लोग एक बार थोड़ी समय के लिए इंतजार करो। फिर कृष्ण कहाँ पर आते थे, कृष्ण मधुमंगल को लेकर के सुबल सखा मधुमंगल को लेकर कृष्ण यहीं पर आ जाते थे और यहीं पर आ करके यहीं पर हमारे श्री आनंद वृंदावन चंपू गोविंद लीला मृत में कृष्णदास कविराज मसाई वर्णना करते हैं। यहीं पर कृष्ण बैठ करके राधा रानी का सबका पासा चलते थे। एक तरफ में राधा रानी, ललिता, विशाखा, कुंडलता सखी और एक तरफ में सुबल और कृष्ण का सखा एक तरफ में। और उनका जो पण है क्या है, अगर कृष्ण हार जाएगा तो इनकी बंसुर देना पड़ेगा, अगर राधा रानी हार जाएगी ना गले के हार देना पड़ेगा। और कभी कभी हिरण को रखते हैं, अगर कृष्ण अगर हार जाएगा इनके हिरण और राधा रानी हार जाएगी इनके हिरण। इतने में श्याम सुंदर ने पासा की काठी फेंके तो कृष्ण का जीत हो गई तो सुबल जो था मधुमंगल उन्होंने जोर जबरदस्ती उनका हिरण को छीन लिया, बोले हमारा श्याम सुंदर जीत गया। इतने में राधा रानी पासा काठी को फेंकी तो, लेकिन इधर में राधा रानी जीत गई तो ललिता सखी ने किया उसने किया कि उनको जो बंसुरी ना कृष्ण का बंसुरी को उन्होंने छिपा लिया चोरी करके, राधा रानी का जो चोटी है ना वो चोटी के अंदर में छुपा दी। जब छुपा दी ऐसे खेल होते 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 एक हार एक जीत ऐसे करते 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 दोनों तरफ राधा और कृष्ण में ना उनके अंदर में छीना झपटी होने लग गया। जब कृष्ण ने राधा रानी का हार को पकड़ लिए, जब छीना झपटी हो रही थी इतने में राधा रानी का एक सुख पकी थी जो विचक्षण सुखी सुख है और मंजूभाषी जो सुख है वो आकाश में देखते रहता है, यहाँ तक कहीं जटला कुटला नहीं आ रहे। इतने में देख दिया जटला कुटला, जब देखा अभी तक मेरी बहू गई सूर्य पूजा करने के लिए अभी तक क्यों नहीं आई, इतने में जटला कुटला अभी देखने के लिए आ रहे हैं, हो ना हो ये सूर्य पूजा की बहाना बना करके ये कृष्ण के साथ में खेल तो नहीं रहे। इतने में जटला कुटला आ गए तो वो सुख ने आ करके बोले सावधान जटला कुटिला आ रही है। इतना सुनते ही कृष्ण तो सारे पासा पासा को फेंके और सखा को जाकर के लेकर कुंजे में छुप गए और जितने ललिता विशाखा सखियां यहाँ पर थी ना वो झूठ फूट कर जाकर के सूर्य मंदिर में घुस गई, जाकर के सूर्य पूजा की बहाना बना करके ना चुपचाप पूजा की बहाना बना दिए। इतने में जटला कुटिला बोले अभी तो क्या हो रही है, अभी तक तुम लोगों ने पूजा सूर्य देवता पूरी क्यों नहीं की, तब से आकर के अभी तक क्या कर रही हो। इतने में ललिता सखी बड़े चंचल है, ललिता सखी बड़े चतुर है, बोले देखो ये दोस्त तुम्हारी, हम अगर किसी पुजारी को बुलाने के लिए जाते हैं हमारी तरह पूजा कर जो सूर्य देवता को जब सुनते हैं ये किसकी बहू, बोले ये जटिला कुटिला की बहू, तुम्हारी नाम ब्रज में इतने बदनामी है इतने बदनामी, जब तुम्हारी नाम कोई सुनता है ना तेरी बहू को कोई पूजा कराने नहीं आती है, तुम्हारी दोष है, हम क्या करेंगे ब्रज में तुम्हारी दोनों का नाम बड़े बदनामी हो चुका है। फिर उन्होंने कहा देखो एक काम करो, ज्यादा लड्डू और पैसा की लोभ दिखा करके ना किसी ब्राह्मण को बुला करके ले आओ। इतने में कुंडलता जाती है, जा करके कृष्ण और जो मधुमंगल जब कुंजे में छुपे थे उनका ड्रेस को बदला देते हैं और पूरा दोनों को ब्राह्मण वेश बना करके पास वेद मंत्र उच्चारण करते करते आते हैं। बोले बड़े कष्ट से दो ब्राह्मण मिले, वो कहते हैं हम मथुरा से श्री गर्गाचार्य का शिष्य है और बड़े अच्छे मंत्र जानते हैं, बोले हमारा बहु को थोड़ा पूजा करा दो। जैसे बहु को पूजा कराने के लिए संकल्प करना पड़ता है, जब उन्होंने जब कृष्ण संकल्प कराए ना उन्होंने बोले बोलो मंत्र पढ़ो, क्या मंत्र है, सूर्याय या मित्राय नमः बोल करके तुम सूर्य का एक नाम मित्र है, बोले मित्राय नमः। अभी राधा रानी का मित्र कौन है, श्याम सुंदर है, इसलिए कृष्ण उन्होंने ऐसे मंत्र एक श्लोक उच्चारण की जो श्लोक में सूर्य को भी लक्ष्य करता है और जो श्लोक कृष्ण को भी लक्ष्य करता है। राधा रानी का परम मित्र तो कृष्ण है, कृष्ण क्या कर रहे हैं सूर्य पूजा की बहाना से कि
मित्रा का सुहा बोल करके कृष्णा अपना अपना पूजा उन्होंने करवा दिया और ऐसे उन्होंने वेद वेद मंत्र पढ़े। हरे कृष्णा हरि बोल। बुलते ना बैठ गया गेट के पास। गेट को खोल दो। गेट के पास बोल गेट को खोल दे। जा रास्ता दे दो। अरे छेड़े को सुन बोला आगे आ जाओ। रास्ता दे दो आगे आ जाओ गेट छोड़ो ऊपर। अरे तारिया चलो। अरे वहां वहां पर खड़े मत रहो। बाहर जाओ नहीं तो भीतर आ जाओ। बाहर जाओ नहीं तो भीतर आ जाओ। इतने में उन्होंने कृष्ण का अपनी आप पूजा करवा दिया। उन्होंने पूजा करा के इतने सुंदर मंत्र से उन्होंने पूजा करवाया। जटिला कुटिला को इतने प्रसन्न हो गए। बोले अभी तक इतने सुंदर वेद मंत्र हमने कभी सुने नहीं। इसलिए बोले हम चाहते हैं अभी उनको इतने में पता चला कि जो कृष्ण है वो समस्त वेद शास्त्र जानता है और ज्योतिष विद्या में पारंगत है। अगर माताओं को पता चले ना थोड़ा हाथ देखना जानता है तो ज्योतिष विद्या चरित्र घर में बढ़ जाएगी। पर मेरा तो हाथ देख लो मेरा भविष्य क्या मेरे बेटा का मेरी क्या भविष्य। अभी उनको पहले देखो हमारे गोह को था हाथ देख लोगे। बोले दिखाओ। जब राधा रानी अपना हाथ को दिखाया राधा रानी की हाथ इतने सुंदर कृष्ण का तो शरीर कपड़े लग गया। राधा जी के हाथ को देख करके बोले देखो तुम्हारी जो ये बहू है ना ये सर्प लक्ष्मी नहीं है। तुम्हारी बेटे जो तुम्हारा जो बेटा है आया ना तो उसको ऊपर में बहुत सारे विपत्ति आने वाले लेकिन तुम्हारी जो बहू है ना वो साक्षात लक्ष्मीपति है। इसलिए तेरी बहू की आशीर्वाद से तेरे बेटे को ऊपर में कोई बाधा विपत्ति नहीं आ रही है और तुम्हारी बहू जिस घर में रहेगी उसी घर में लक्ष्मी की बढ़ो तो खूब होएगी। घर में खूब समृद्धि होएगी। रुपया पैसा मालामाल होएगा घर में शांति शुरू होगा। उनने इतनी अच्छी अच्छी बात बता दिया ना। अगर किसी के हाथ रेखा देखो बढ़िया बढ़िया बात बताते ना खुश हो जाते हैं। भले उल्टा पुलटा हो लेकिन अगर बढ़िया बढ़िया बात बता तो इतने खुश हो गई जटिला कुटिला। बोले देखो हम तुमको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा देखो दक्षिणा की क्या जरूरत है। क्या बोला हम तुम्हारी प्रेम चाहते हैं। हमारे कोई दक्षिणा फकीणा की जरूरत नहीं। तुम्हारा प्यार ही हमारे लिए बहुत है। केवल तुम्हारी प्रेम चाहिए। अरे बाबरे इतने अक्षय ज्योतिष पूजा कराया हमारी बहू की और निष्काम रूप में कोई लोभ नहीं। बोले देखो रोज आना आकर के ना हमारा बहू पूजा करा दिया करो। बोले रोज आना हमारी बहू अच्छे दर्शन पर पूजा करा। हाँ बड़े खुश हो गए। इतने में मधुमंगल था लेकिन वो तो ब्राह्मण है। बोले देखो बगैर पूजा के अगर कोई बगैर दक्षिणा के अगर कोई पूजा कराओगे ना दक्षिणा की कोई फल नहीं मिलने वाले। सिर्फ माल जरूर जरूरत है दक्षिणा की जरूरत है। तो ब्राह्मण का बच्चा है ना। उन्होंने उनको बोले क्या दक्षिणा देंगे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। इतने में जटिला कुटिला बोले काम करो बहू को बोले तो प्रणाम करो पुरोहित को प्रणाम करनी चाहिए। लेकिन राधा रानी का चौकी का अंदर में कृष्ण का बंसुरी है लेकिन वो तो भूल गई। इतने में राधा रानी जब प्रणाम करने के लिए गई ना वो चोटी को अंदर में जो बंसुरी थी इतने में झट बंसुरी गिर पड़ा। बंसुरी गिर पड़ा तो बोले अरे ये बंसुरी कहाँ आया ये तो कृष्ण का बंसुरी है। बोलो यही काम करती है यहाँ आकर के ये बंसुरी कैसे आ गई। इतने में ललिता मिश्रा का बड़े चतुर राधा रानी। बोले देखो हम आते समय ये बंसुरी को रास्ता में गिरते हुए देखा और ये जितने बंसुरी है ना जितने बिगाड़ने वाले ब्रज को वही है। तब तक ब्रज में कोई धीरज धारण करके रहता नहीं जब तक कन्या की बंसुरी नहीं सुने। इनकी बंसी सुनते ही सबके सब उथल पुथल होने लग जाता है। जिनको कानों में ये बंसुरी की आवाज पड़े यही सारे ब्रज गोपियों की धर्म को पतिव्रता को यही नष्ट करने वाले। हम आ रहे थे देखा ये बंसुरी जितने गड़बड़ी करने वाले इसलिए सोचा ये बंसुरी को ले चलो और ले करके हम ना जमुना में बहा सकें। इसलिए हम ला कर छुपा करके लाए थे। तब जब खुश हो गई बोले देखो एक काम करो ये दोनों ब्राह्मण ना कृष्ण का डर गए भैया हमारी बंसुरी गई। हाँ इस जटिला कुटिला को सामने पकड़ में आ गए ये बंसुरी हमारी गई। इतने में बोले ये दोनों ब्राह्मण मथुरा से आए एक काम करो दक्षिणा रूप में इनको ये बंसुरी दे दो। जब उनको बंसुरी दे दी ना कृष्ण का जान आ गया। चले हे भगवान मैं सोच रहा तुम्हारी बंसुरी ही गई। बस कृष्ण मधुमंगल बड़े प्रसन्न होकर के यहाँ से चले गए और राधा रानी बड़े प्रसन्न होकर के जटिला कुटिला को लेकर चले गए। अब उस तरफ में आप लोग जाएंगे देखना एक शिला है यहाँ पर एक मधुसूदन दास बालाजी महाराज यहाँ पर रहते थे। जब उन्होंने ये कुंड में डुबकी लगाए डुबकी लगाते ये कुंड में एक सुंदर शिला उनको हाथ में आया।
वो शिला में राधा रानी जब सहेलियों के साथ में यहाँ पर आए थे लीला करने के लिए, यहाँ पर एक सुंदर बगीचा थी जिस बगीचा का नाम था कंदर्प कुहेली वाटिका, जहाँ पर राधा कृष्ण की दिव्य अपराकृत दिव्य लीला, कंदर्प कुहेली माने दिव्य अपराकृत लीला, जहाँ पर राधा गोविंद यहाँ पर करते थे, यहाँ पर सुंदर वाटिका थी। जब राधा रानी यहाँ पर आई थी उसी पत्थर को ऊपर में अपना जो मुकुट था वो मुकुट पर रख करके राधा रानी ने स्नान की। अभी वो जो शिला के ऊपर में मुकुट रखा था अभी भी वो शिला के ऊपर में जो मुकुट का चिन्ह है, लगता है आप लोग कई कई दर्शन किए होंगे, जो दर्शन नहीं किए आप लोग जरूर उसको दर्शन करना। अरे यही पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहीं पर भजन करते थे। कभी कुछ साधक यहाँ पर आए भजन करने के लिए, जब भजन करने के लिए आए तब श्री ये लोग क्या करते हैं, ठाकुर को सेवा पूजा नहीं करके ना दिन भर माला लेकर बैठ जाते हैं भजन करने के लिए। लेकिन वो तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सिद्ध महात्मा सब जानते हैं, बोले ये तो माला लेकर दिन भर बैठ रहे हैं भजन करने के लिए, लेकिन ये तो घर बार छोड़ करके आए, लेकिन माला तो लेकर के भजन कर रहे हैं, लेकिन याद किस चीज को कर रहे हैं, अपना बेटा बेटी घर दुकान मकान को स्मरण कर रहे हैं। इसलिए नाम अपराध में एक अपराध है, हरि नाम करते समय अगर भगवत नाम को छोड़ करके लीला को छोड़ करके अगर कोई दूसरी चिंता हो तो ये नाम अपराध है, ये नाम अपराध उसको बताते हैं। इसलिए वो तो सीधा माला लेकर दिन भर भजन करते बैठे, लेकिन उन्होंने देखा माला को लेकर के भजन कर रहे हैं लेकिन सारे नाम अपराध कर रहे हैं। इसलिए बोले ये सब जानी कृष्ण भक्ति पार, मतलब हरिनाम करते समय अगर इधर उधर कोई चिंता हो, अगर हरिनाम कर रहे हो नाम अपराध, उसको जरा भक्ति नष्ट होती है। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया सेवन मुखई जीवा दो स्वयं मेव स्फुरत तत्व, जब तक तुम्हारी जीवा सेवन मुखी वृत्ति नहीं हो, सेवा पराय नहीं हो, खाली अपराध अपराध है। उन्होंने बोले देखे एक काम करो, तुम लोग दिन भर माला लेकर बैठ तो कर नामा अपराध हो रहा है, एक काम करो ये खेत में बैगन और साग और उसमें सात सब्जी लगाओ, लगा करके जब वो वस्तु गुरु वैष्णव की सेवा में ठाकुर को सेवा में लगेगा फिर तो तुम्हारी कुछ सुकृति बनेगी, जब तुम्हारी सुकृति बनेगी फिर जा करके तुम्हारी ये भजन सही होगा, इसलिए जाओ ये काम करो। उन्होंने बोले हम घर में नहीं काम करते थे, हम घर छोड़ करके आए बैगन फगन नहीं तो घर में करते थे, यहाँ पर आए अष्टकालीय लीला चिंतन करने के लिए, बाबा जी महाराज कह रहे हैं बैगन में खेती कर जमीन में खेती करो, बोले नहीं ये तो इतने पढ़े लिखे नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, बोले वो थोड़ी लिखे पढ़े, जब वे आएंगे उनको पूछ करके वो जैसे करेंगे आप करेंगे। जब भक्ति विनोद ठाकुर आए उनको यही की प्रश्न की, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा देखो ये सिद्ध महात्मा है ये सब तुम्हारे मन की बात जानते हैं, इसलिए वो जैसे कहते हैं वैसे करो, क्योंकि शास्त्र में बताया विशेष कर मेरे जो गुरुदेव है ना ज्यादा सेवा के ऊपर में जोर दिया, इतने हरिनाम ऊपर में मेरे गुरुदेव जोर नहीं दिया है, हमारे मंदिर में देखा ना सेवा की परिपाटी ज्यादा हमारे गुरुदेव स्थापन किया, क्यों मेरे गुरुदेव कहते थे हम कहाँ विषय में पड़े हुए थे, गुरु वैष्णव तो किसी तरह से हमारे चोटी को खेच करके भजन में किसी तरह से हमें लगाया, हम भजन के अधिकारी नहीं है। एक समय प्रभुपाद का समय में कोई एक ब्रह्मचारी मंदिर छोड़कर चला गया, इतने में किसने कहा प्रभुपाद ये ब्रह्मचारी ये मंदिर छोड़कर चला गया, प्रभुपाद कहते हैं जो तो गया तो गया उसके लिए मैं नहीं सोचता, अभी जो मंदिर में रह करके भजन कर रहे हैं मैं सोच रहा हूँ अभी तक वो भजन कैसे कर रहा है, अभी तक मंदिर में टिका हुआ कैसे, अभी तक गया नहीं क्यों, इसका मतलब है कहते भक्ति करना इतना आसानी नहीं। मेरे गुरुदेव तो बस यही कहते थे एक जीवन किसी तरह से गुरु वैष्णव की सेवा करते करते ये शरीर को रगड़ करके लगा दो, मेरे गुरु जी का ये बात है, मिलजुल करके ठाकुर की सेवा में किसी तरह से रगड़ करके लगा दो, क्योंकि हमारी सुकृति नहीं है, हम भजन करने के लायक है ही नहीं। जैसे मैं मंदिर में रहता रूप सनातन मंदिर में रहता हूँ, मैं देखता हूँ मंदिर में जितने बच्चे आते हैं ना 90% बच्चे कुछ देर बाद में चले जाते हैं, और जो 1% जो रुकते हैं ना वो किसी कठिनी से किसी तरह से रुके हुए हैं, मतलब जो भजन है वो इतने आसानी वस्तु नहीं भजन करना। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा महाराज कहते थे शरीर को रगड़ करके गुरु वैष्णव को सेवा में लगाओ, जब तक सुकृति नहीं होगी, इसलिए कहते ना सुकृत ही पूर्व संचित ही सत्संग प्राप्त ही गोपी, सुकृत ही पूर्व संचित ही
इसलिए सुकृति के बगैर भजन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितने दूर हो सकता है ये शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ। अगर दिन भर माला लेकर बैठे क्या होगा, दिन भर विषय भोग करते करते आए, अब स्वयं देख लेना इधर तो हरे कृष्ण करे मन कहाँ कहाँ भूल रहे। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर गुरु वैष्णव की सेवा करता है, दिन भर ठाकुर को सेवा करता है, देखना सेवा करते करते एक माला भी करो, एक भी माला करो, माला करते समय क्या याद आएगा, अरे ठाकुर को भी भोग लगानी चाहिए, ठाकुर के लिए फल नहीं, अभी ठाकुर के लिए फूल की माला व्यवस्था करनी चाहिए। अरे क्या माला तो कर रहे हो करके, लेकिन किसकी चिंता हो रही है, ठाकुर की सेवा की चिंता हो रही है। इसलिए सेवा करते हुए जब ये नाम करेंगे फिर ये मन ठाकुर को सेवा याद करेगा। अगर सेवा को छोड़ करके दिन भर माला लेकर के हरे कृष्ण करेंगे ना, वो नामा अपराध होगा और ये नामा अपराध से बत्ती से मंदिर से चुत हो जाएगी। इसलिए कहते सेवन मुख ही की बात हो, सेवन मुखी वृत्ति हमारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये चीज को हमने सिखा दिया। इसलिए स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है, ठाकुर जी यहाँ पर अद्भुत अद्भुत मधुर मधुर लीला की। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं गुरु वैष्णव का अनुमति में, यहाँ पर प्रणाम करें, यहाँ का धूल लगाए, एक दिन ना एक दिन ये लीला हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो और एक दिन हम भी गुरु वैष्णव सेवा में जीवन को लगा पाए। अच्छा कलम कर।